बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम हजरत जी, हम इंडिया से मोहम्मद जमशेद आलम मुनीरी आपके मुरीद बात कर रहे हैं। हजरत जी आप खैरियत से हैं, अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहतमंद रखे। हजरत जी आपका हर वीडियो देखते हैं, हजरत जी पुराना 2 साल 4 साल भी जुमा का खुतबा निकाल के सुनते हैं। हजरत जी माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, हजरत जी आपका जुमा का खुतबा तो बता नहीं सकते हजरत जी। तो हजरत जी आप एक बात फरमाए हजरत जी कि अपनी जुबान को हर वक्त दांत की नोक से टकराओ तो लफ्ज अल्लाह निकलेगा। तो हजरत जी जब भी मौका मिलता है हम टकराते रहते हैं हजरत जी अपने जुबान को, तो हजरत जी आप दुआ कर दे कि अल्लाह ताला अपने जिक्र का और लज्जत और मिठास अता कर दे हजरत जी। और हजरत जी मेरे दो सवाल हैं हजरत जी कि सूरह फातिहा को जो बिस्मिल्लाह के साथ मिला के पढ़ने का हजरत जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा पढ़ने के बाद अलिफ को लाम से मिलाना हजरत जी ये, और दूसरा सवाल ये हजरत जी की तज़किया वर्कशॉप तो माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा हजरत जी, तो उसका हम कोई भी मतलब जो आप बता रहे हैं हजरत जी तो ये कर नहीं पा रहे हजरत जी, क्योंकि काम की वजह से सुबह जाते हैं तो रात में लेट आते हैं हजरत जी, तो थोड़ा उस पर आप ये कर दीजिए हजरत जी, क्योंकि जो भी आप मामूलात बताए हैं हम तज़किया वर्कशॉप में कुछ भी नहीं कर पा रहे हजरत जी, और आपकी तवज्जो दुआ की बहुत जरूरत है हजरत जी, दुआ में याद रखिएगा अल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह माशाल्लाह इंडिया से जमशेद आलम मुनीरी बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी इज़हार मोहब्बत को कबूल फरमाए और आपकी दुआएं हमारे हक में कबूल हो, हम भी आपके लिए से सलामती और ईमान की दुआ करते हैं। और बाकी आप जो है वो जबान की जो नोक को जो है वो सामने के दांतों की जड़ से टकराते हैं तो लफ्ज़ अल्लाह निकलता है, तो इस तदबीर पर आप अमल कर रहे हैं, बिल्कुल मैं भी दुआ करता हूँ जिक्र की चाशनी और अल्लाह के जिक्र का जो है सही ज़ौक आपको नसीब हो जाए, आमीन। और बाकी यह है कि आपने तज़किया वर्कशॉप के हवाले से कहा कि उसमें जो भी मामूलात किए जाते कर नहीं पाते, तो उसमें सारे अगर नहीं कर पाते किसी एक को आप पल्ले बांध लें। अभी वह याहू का मैंने बताया है तो गया कि जिक्र उनका, तो याहू वाला कर लें, तो याहू वाले की पाबंदी करें, तो कोई एक जो है उसमें याहू या क्यूम का बताया था तो किसी एक की पाबंदी कर लें, कुछ अर्सा वो करते रहे फिर दूसरा शुरू कर दें। तो अगर सारे इकट्ठे नहीं कर सकते तो कोई एक अपनी मामूल और पाबंदी रखें, इससे इंशाल्लाह आपको नफ़ा पहुँचेगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हर तरह तरक्या नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया।